कि सेकुलरिज्म के नाम पर मिलने वाली भीख ने हमारी कौम की गरीबी गुर्बत और बदहाली किस कदर दूर की है। तो मेरे भाई जब मुल्क का जायजा लिया तो बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ मेरे भाई। मैंने देखा जब मुल्क का जायजा लिया तो भूख से तड़पते बच्चों की चीखें सुनाई देती है, तो कहीं पर मेरे भाई बजरंगदल आरएसएस के दलाल शेर बनते नजर आते हैं, कहीं पर आदम की बेटी बाजारों में बिकती है, तो कहीं पर वजीर आजम के तन पर लाखों का लिबास नजर आता है, कहीं पर रेड लाइट के चौराहे पर गरीबी और गुर्बत से लोग दम तोड़ रहे होते हैं, तो वही चौराहे से निकल के इन हुक्मरानों की बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजर रही होती है। मेरे भाई मेरी आंखों ने क्या क्या नहीं देखा, मेरी आंखों ने गुजरात में कटते हुए अपने लोगों को देखा, दम तोड़ते हुए अपने लोगों को देखा, मेरी माँ बहनों की आंखें टूटते हुए देखा, मेरी माँ बहनों की कोखें वीरान हो गई, मेरी माँ बहनों का सुहाग उड़ गया, मुजफ्फरनगर में मेरी आंखों ने मेरे लोगों को बेघर होते हुए देखा, उन बेघर घरों में मेरी माँ बहनों की आंखें टूटी गई, मुंबई में मेरी माँ बहनों को नंगा सड़कों पर दौड़ाया गया। मेरे भाई मेरी आंखों ने क्या क्या नहीं देखा, मेरी आंखों ने अखलाक के परिवार को तड़पते हुए देखा, मिनहास की बीवी को तड़पते हुए देखा, नजीब की अम्मी को अपने बेटे के इंतजार में तड़पते हुए देखा, तो कहीं मेरी आंखों ने मेरे भाई अपने लोगों को अपना ईमान बचाते हुए देखा, तो कभी अपने शरीयत को बचाते हुए देखा। बताइए क्या ये भीख मिली है सेकुलरिज्म के नाम पर? तो मेरे भाई मैं हुक्मरानों के लिए मेरी जुबान से ये आवाज निकल